अमिताभ बच्चन और तापसी पन्नू की जोड़ी ने बदला फिल्म से दर्शकों का एक बार फिर अपने ओर आकर्षित कर लिया है। पिंक फिल्म के जरिए लोगों के दिल में जगह बनाने वाली ये जोड़ी सिनेमा घरों में नई कहानी और नए क्लेवर के साथ अपने दूसरे टेस्ट देने आ पहुंची है। बदला फिल्म ने पहले दिन उम्मीद से अधिक कलेक्शन करने में कामयाब रही है। ऐसा इसलिए भी कहा जा सकता है क्योंकि शुक्रवार को हॉलीवुड में मोस्ट अवेटेड फिल्म कैप्टन मार्वल भी साथ में ही रिलीज हुई थी। इस फिल्म ने पहले ही करीब 14 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया। बॉक्स ऑफिस इंडिया के मुताबिक बदला फिल्म ने इस दिन करीब 5 करोड़ का कारोबार कर डाला। अमिताभ बच्चन और तापसी पन्नू की फिल्म बदला को अच्छा रिस्पॉन्स मिला है क्योंकि इस फिल्म की पिछली फिल्म पिंक ने पहले ही दिन 4.5 करोड़ का कलेक्शन किया था, जो बदला फिल्म के फर्स्ट डे कलेक्शन से कम है। इस वजह से अब देखना होगा कि वीकेंड पर यह फिल्म कितना कलेक्शन कर पाने में कामयाब हो पाती है। फिल्म बदला 8 मार्च इंटरनेशनल महिला दिवस के मौके पर सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी। आपको बता दें कि अमिताभ और तापसी को एक साथ फिल्म पिंक में देखा जा चुका है। इस फिल्म में भी अमिताभ ने वकील का किरदार निभाया था। फिल्म पिंक को दर्शकों ने खासा पसंद भी किया था। वहीं फिल्म बदला की बात करें तो इसका ट्रेलर पहले ही रिलीज हो चुका था। बता दें कि ये फिल्म 2016 में रिलीज हुई स्पैनिश थ्रिलर फिल्म कॉन्ट्रा टेम्पो पर आधारित है। रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और एज्यूर एंटरटेनमेंट के बैनर तले बन रही इस फिल्म को सुजॉय घोष ने निर्देशित किया है। वहीं गौरी खान, सुनील खेतरपाल और अक्साई पूरी फिल्म के प्रोड्यूसर हैं। वैसे तो बॉलीवुड के बादशाह अमिताभ बच्चन की फिल्म को देखना काफी रोमांचक होता है। शुरू से ही अमिताभ बच्चन की फिल्मों को काफी पसंद किया जाता है, जिसके बाद अब आई बदला मूवी ने भी बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ धमाल मचा दिया है। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए PMS मीडिया।